सब्सक्राइबर्स, फ्रॉड लोग, चीटर लोग या टोपेबाज लोग से कैसा बचा जा सकता है? रोज़ सोशल नेटवर्किंग ग्रुप में कोई ना कोई ये बोल रहा है कि मेरे पैसे ले लिया है, किसी ने मुझे फ्रॉड कर लिया है, मेरे तो पेट प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा है, पेट्स भी नहीं आ रहे, मेरे तो पैसे भी नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जब ऑनलाइन से आप खरीद रहे हो तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप आपके शहर में देखिए कि आपके शहर में कोई ब्रीडर है, कोई होलसेलर है, कोई शॉपकीपर है या कोई पेट लवर है जो आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग देख लीजिए क्या जो दूसरा शहर है वहाँ का जो बंदा है वहाँ से पूछे कि मेरे शहर में आप किसी को जानते हैं, क्योंकि आप एक ही लाइन के हो, तो अगर वो बता सकता है तो रेफरेंस को भी चेक कर लीजिए, वीडियो चैट करके आप उसका जो है फ़ोटो रख लीजिए, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, अगर आप अंधेरे में रह रहे हो और आपको समझ लो औरंगाबाद में कोई चीज़ पसंद है, तो आप पहले अंधेरे में अपने रिश्तेदार दोस्त से पूछ लो कि भाई औरंगाबाद में हमारा कोई पहचान वाला रहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो हाँ अगर रहता है तो फिर वहाँ से आप अपने रिश्तेदार को पैसे भेजो औरंगाबाद में, या दोस्त को पैसे भेजो और बोला भाई तुम जाके ये फला फला बंदे को दे दो पैसे और डिलीवरी के टाइम पर तुम सामने खड़े रहो। तो इससे क्या होगा ना कि फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि आपके पहचान रिश्तेदार दोस्त के हाथ में पैसे जा रहे हैं, वो उसको दे रहा है, वो उससे प्रोडक्ट ले रहा है, डिलीवरी के टाइम पर वो सामने खड़ा है। अगर उसको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो उसके बहुत सारे तरीके, गूगल से फोटोज़ दे दो, वीडियो यूट्यूब के दे दो, ठीक है? तो इस तरह से भरोसा जो है हमारा टूटने मत दो, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं और कुछ लोग इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। अगर बहुत से लोग कर भी रहे हैं तो मेरे चैनल पे मैं बताऊंगा उसे, ताकि इस तरह के फ्रॉड ना हो, लोगों के मेहनत का पैसा ज़ाया ना जाए और इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।